की समाजवादी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद नरेश अग्रवाल आज बीजेपी में शामिल हो गए। शामिल होने के बाद नरेश अग्रवाल ने यह कहकर विवादित बयान दे दिया कि एक नाचने गाने वाले के लिए सपा ने उनका टिकट काट दिया। सपा ने उनका टिकट काटकर जया बच्चन को राज्यसभा का टिकट दिया है। इस वजह से नरेश अग्रवाल खफा थे और बीजेपी ज्वाइन कर ली उन्होंने। समाजवादी पार्टी के साथ एक लंबी पारी खेलने के बाद नरेश अग्रवाल अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। नरेश अग्रवाल का पीयूष गोयल ने पार्टी में स्वागत किया। तीखे कटाक्ष करने वाले नरेश अग्रवाल ने बीजेपी ज्वाइन करते ही एक ऐसा बयान दे दिया जिस पर विवाद हो गया। आप खुद सुनिए नरेश अग्रवाल ने क्या कुछ कह दिया। मैं मुलायम सिंह जी का और राम गोपाल जी का जरूर कभी भी मैं उनका साथ नहीं छोड़ूंगा, मैं उनके साथ हूँ क्योंकि दोनों ने हमको बहुत इज्जत दी। लेकिन समाजवादी पार्टी को जिस तरीके से मौजूदा में गठबंधन के माध्यम से एक क्षेत्रीय पार्टी की हैसियत से भी हटा दिया, कभी कांग्रेस से गठबंधन कभी बसपा से गठबंधन, तो समाजवादी पार्टी अपने आप समझ रही कि हम नहीं रह गए। जबकि 2012 में पूरी समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में दिखी थी। तो जिस तरह समाजवादी पार्टी को समाप्त किया जा रहा है और फिल्मों में काम करने वाली से मेरी हैसियत कर दी गई, एक फिल्मों में डांस कर दें अपना रोल कर दें, वो लोग उनके नाम पर हमारा टिकट काटा गया, मैंने इसको भी बहुत उचित नहीं समझा। दरअसल नरेश अग्रवाल अब तक समाजवादी पार्टी के कोटे पर यूपी से राज्यसभा के सांसद थे, लेकिन इस बार पार्टी ने उनका टिकट काटकर जया बच्चन को राज्यसभा का टिकट दे दिया, जिसके चलते नरेश अग्रवाल काफी नाराज हैं। इसी के चलते उन्होंने ये कह दिया कि नाचने गाने वाली के लिए मेरा टिकट काट दिया गया। ये सब उन्होंने जया बच्चन को लेकर कहा, जिसे लेकर बाद में विवाद हो गया। हालांकि नरेश अग्रवाल की गलती का एहसास बीजेपी को तुरंत हो गया और उसने उनके बयान पर सफाई देने में देर नहीं लगाई। सुषमा स्वराज ने जहां ट्वीट करके इस बयान को अशोभनीय बताया, वहीं पार्टी ने आधिकारिक तौर पर भी बयान का खंडन किया। धन्यवाद नरेश जी, और इससे पहले कि मैं माननीय पीयूष जी को कहूं कि वो नरेश अग्रवाल जी को सदस्यता पत्र दे, एक बात हम इस मंच से जरूर कहना चाहेंगे कि चाहे चलचित्र में हो चाहे कोई आदरणीय है, भारतीय जनता पार्टी हर किसी का सम्मान करती है, वी रिस्पेक्ट ऑल। यही नहीं, नरेश अग्रवाल की बीजेपी ज्वाइन करने को लेकर समाजवादी पार्टी भी कहां पीछे रहती। उसने साफ कहा कि ये पहले से ही अवसरवादी रहे हैं, कभी यहां तो कभी वहां। जो एक बात तो मैं ये कह सकता हूं कि कलाकारों का सम्मान पूरा देश करता है और वो लगातार राज्यसभा में हैं। जो लगातार राज्यसभा में हो उस पर इस तरीके की टिप्पणी या तो भारतीय जनता पार्टी के संस्कार करा सकते हैं या नरेश अग्रवाल खुद कर सकते हैं। और उनकी किससे तुलना, उनकी जयप्रदा से कौन सी तुलना, दलालों की किसी से तुलना होती है, मौका परस्त लोगों की किसी से तुलना होती है? अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अपनी दलाली चलाने के लिए किसी भी परिस्थिति में किसी को धोखा दे देना, पलट जाना, कौन सी नैतिकता? ये दुर्भाग्य है कि भारतीय राजनीति में नरेश अग्रवाल जैसे लोग भी राजनीति कर रहे हैं। बहरहाल नरेश अग्रवाल का बीजेपी में आगाज ऐसा है तो अंजाम कैसा होगा अब देखना होगा। नेशनल डेस्क टोटल।